अगर आप एक मिड रेंज कैमरा सेंट्रिक फोन लेने का सोच रहे हैं तो ये खबर सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। शायद काफी सारे लोगों को ये पता चल चुका होगा, सैमसंग नेक्स्ट मंथ यानी अक्टूबर एंड तक एक ब्रांड न्यू गैलेक्सी एफ सीरीज को लॉन्च कर सकती है। सबसे पहले ये इंडिया में लॉन्च किया जाएगा एंड देन ग्लोबली लॉन्च होगा। और जैसा कि मैंने बताया, इस सीरीज का मेन फोकस फोटोग्राफी के लिए होगा। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ऑफकोर्स ये मिड रेंज होने वाला है। इसकी प्राइसिंग 15,000 से 20,000 के बीच होगी। तो ये थी इसकी पूरी डिटेल। लेकिन आखिर सैमसंग ये सीरीज लॉन्च कर क्यों रही है? क्या एम और ए सीरीज सफिशिएंट नहीं है मिड रेंज के लिए? तो इस वक्त इंडिया में एंटी चाइना सेंटीमेंट्स काफी ज्यादा है और लोग चाइनीज प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर रहे हैं, और इसी कारण से थर्ड क्वार्टर में सैमसंग का मार्केट कैप भी बढ़ा है। और इस मौके का फायदा सैमसंग भरपूर उठाना चाहता है और इसलिए वो हर मार्केट सेगमेंट को टारगेट कर रहा है। लेकिन ये बात देखने वाली होगी कि सैमसंग किस प्राइसिंग पे लेके आता है, क्योंकि 15,000 से 20,000 का जो ये ब्लॉक है ये काफी ज्यादा गर्म है। यहाँ पे पहले से ही रियलमी और पोको ने अपने अपने फोन्स बहुत ही अग्रेसिव प्राइस पे लॉन्च कर दिए हैं, और इसी रेंज में सैमसंग का मोस्ट पॉपुलर फोन गैलेक्सी M31s भी आता है। तो अब देखते हैं गैलेक्सी एफ सीरीज कैसे कम्पीट करती है इनके साथ। यहाँ पे इसका एक और रीजन निकल के आता है जो कि पर्सनली मुझे लगता है सैमसंग ने काफी स्मार्ट मूव खेला है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार चैनल पर विजिट कीजिए, कंटेंट देखिए, और अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो मैं कह रहा था कि सैमसंग ने काफी स्मार्ट मूव खेला है, जैसे कि आजकल मिड रेंज में भी गेमिंग सेंट्रिक फोन आ चुके हैं, जैसे कि MediaTek G90T और Snapdragon 720G और लिक्विड कूलिंग टेक्नोलॉजी पोको X2 में। तो ये सब गेमिंग सेंट्रिक फीचर्स है, लेकिन अच्छी फोटोग्राफी के लिए कोई मिड रेंज फोन नहीं है। लेकिन इस सेगमेंट में अब सैमसंग की नजर पड़ चुकी है। इनिशियली ओप्पो और वीवो भी इसी फीचर के साथ मार्केट में आए थे, लेकिन वो बस ऑन पेपर ही था। तो अब देखते हैं कि सैमसंग किस तरह से इस गैप को फिल करता है। अगर अच्छी प्राइसिंग और अच्छे फीचर्स के साथ ये फोन आए तो ये खूब चल सकते हैं, जैसे कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन या लेजर ऑटो फोकस जैसे फीचर्स कंपनी ने दे दिए तो ये काफी अच्छा रहेगा। So stay tuned guys, I'll update you whenever it will launch, and if you like this video then press the like button and subscribe to the channel. Thanks for watching.